फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत स्वागत है एक और कॉस्मोक्राफ्ट की वीडियो में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कॉस्मोक्राफ्ट सीजन मतलब कॉस्मोक्राफ्ट स्काई ब्लॉक सीजन 3 में। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि भाई आप कॉस्मोक्राफ्ट क्यों नहीं खेल रहे एंड भाई प्लीज कॉस्मोक्राफ्ट दोबारा खेलो। एंड यार बहुत सारे कमेंट्स मतलब यार जो कि रिलेटेड थे कॉस्मोक्राफ्ट से ही यार। एंड सबसे मेन बात देखो मैं कोई ऑनर नहीं हूँ इस सर्वर का, एंड सेकंड चीज़ भाई ये मैंने सर्वर नहीं बनाया है, एंड थर्ड चीज़ अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉस्मोक्राफ्ट के बारे में सो कॉस्मोक्राफ्ट का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ हर वीडियोज़ में, तो आप किसी भी वीडियो से जाकर उनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यार प्लीज़ मुझसे मत पूछा करो कब सर्वर बैक आएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्यों है। सो यार ये रीज़न मुझे भी नहीं पता रहता, वैसे आप लोग डिस्कॉर्ड सर्वर उनका जाके चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस में रहता कभी कभी या फिर कुछ अपडेट लाते हैं वो। तो या तो फाइनली गाइस वी आर बैक विद कॉस्मोक्राफ्ट सर्वर। तो सबसे पहले यार रुको गाइस मुझे टीवीपी से एफपीपी में आने दो एंड मेरे को अपना जो डायमंड का सूट है वो पहनने दो, फिर बात करते हैं हम लोग। ओके गाइस हम टीपीपी से एफपीपी में आ चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ चैनल पे जो नहीं है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम फाइनली कॉस्मोक्राफ्ट खेल रहे हैं। एंड हाँ वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक करो। आज का लाइक एम हम 500 लाइक्स का करते हैं क्योंकि यार आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ यार अगर आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और आज का हम 500 लाइक्स का एम रखते हैं तभी मैं कॉस्मोक्राफ्ट की वीडियो लाऊंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा मैं कॉस्मोक्राफ्ट भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरा मेन रीज़न क्या था कि मैं कॉस्मोक्राफ्ट क्यों नहीं खेला, तो गाइस स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, अगर दिख रहा नहीं है तो मैं और बड़ा कर देता हूँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बैन। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मुझे बैन मिला हुआ था और जो एक्सपायर हो रहा है 2 दिन के अंदर। सो गाइस ये आखिर कैसे हुआ, मुझे बैन क्यों मिला, तो गाइस देखो मैं बताता हूँ। लाइक अभी आ जाओ वापस स्क्रीन शॉट हटा देते हैं। हाँ सो यार देखो लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे स्काई ब्लॉक लीडर बोर्ड में तो अभी आप लोगों को डिफरेंट नूब वाइटी दिख रहा है यहाँ पर, और मेरा मनी देखो कितना ज़्यादा है, 6 मिलियन है अभी, बट मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले 12 मिलियन था तो मैं टॉप 1 में था, ठीक है, और वो भी स्काई ब्लॉक लीडर। तो यार इसी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया भाई मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा था। जो मेरा मेलन फार्म था गाइस, मेरा मेलन फार्म अगर आप लोगों को याद ना हो तो यार मैं मेलन फार्म में आपको लेके चलता हूँ। वेट सबसे पहले मेरे को IS से गो करना है, IS/IS Go। ओके फाइनली मैंने /IS Go लिखा। सो या अब बात करते हैं कि मेरे को आखिरकार बैन मिला तो मिला कैसे, एंड ये चड्डी बनियान किसकी है भाई, हद है यार कोई चड्डी बनियान ऐसे छोड़ के चले जाता है क्या। अरे यार कोई नहीं यहाँ पर मैं इन चड्डी बनियानों को पहले रख देता हूँ इधर अंदर, पता नहीं किसने ऐसे खोल के चला गया यार। एंड यहाँ पर जस्ट हाँ तो या अब मैं बताता हूँ गाइज ये जो मेलन फार्म है आप लोगों को लग रहा होगा सिंपली है ये कोई भी बना सकता, तो या मैं सच कह रहा हूँ ये कोई भी बना सकता है, बट यार मेरे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि यार देखो मैंने स्टोन स्लैब्स तो ये सब इजी पीजी है आप लोग भी खरीद सकते हो, बट यार मेन चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है डर्ट और ये हमारे सीलेंट है, तो इनको ख़रीदने में मेरी हालत ख़राब हो गई और यहाँ तक कि मैं फुल गरीब बन गया, मेरे मनी की बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। मैं एक मिनियन ख़रीदने वाला था गाइस, और मेरे पास जो मिनियन आप लोगों को पता है एमरेड मिनियन कितने का आता है, 1,08,00,000 का, तो यार मैं मिनियन ख़रीदने वाला था तो मेरे को थोड़ी सी मनी की ज़रूरत थी, तो मैंने यार वाइटी किट सेल कर दी अपने एक सब्सक्राइबर को, बट यार एक सब्सक्राइबर ने क्या किया मतलब उनके ऑनर्स को जाके बोल दिया मॉड को कि भाई ये वाइटी किट सेल कर रहा, और भाई मेन चीज़ मैं बता देता हूँ वाइटी किट वैसे इलीगल है बट मैंने जानबूझ के सेल किया था क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड मैंने वो सब्सक्राइबर को ही बेचा, मैंने कोई भी ऑक्शन किट में नहीं डाला ना किसी में वो करा, मैंने सीधे अपने सब्सक्राइबर से बात करी और उसको सेल किया था, तो इसी चीज़ के लिए मेरे को बैन मिला था और भाई मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया कि मेरे को बैन मिल गया। मैंने उनसे बात भी करी बट वो कह रहे रूल इज रूल, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं अब नहीं खेलूंगा। बट यार फाइनली यार आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा तो मैं वापस आया, बट यार मैं अगेन बोल रहा हूं अगर आप लोग 500 लाइक्स नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। तो चलो यार वीडियो को हम यहाँ पर अब इन सब बातों को थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी को हटा दें। तो या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक डायमंड मिनियन है और एक एमरेड मिनियन है, तो आप लोग सोच रहे ये कौन है, तो गाइज ये मेरा एक नया मजदूर है जिसने मेरी मेंबरशिप बाय करी है। आप लोग भी मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हो और आप लोग भी मेरे
आइलैंड के मजदूर बन सकते हो। और हाँ भाई, लॉयल्टी वाले मजदूर, ये नहीं कि आप लोग भाई चुरा लो सामान। वैसे ये मिनियन, ये वाला तो वो भाई खुद लाया था अपना, और ये वाला मिनियन मैंने भाई को गिफ्ट करा है, क्योंकि मेरे को लॉर्ड ऑफ, हाँ बिग शाउट आउट जाता है यार हमारे डार्क ऑफ लॉर्ड को, जो कि सर्वर में ही खेलता है। उसने मुझे यार 13 मिलियन अमाउंट दिया मनी का, जिससे मैं यार ये सब खरीद पाया। एंड हाँ, मैंने जो अपना ये अंदर वाला मिनियन है, इसको भी मैंने कितना अपग्रेड कर दिया आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इसको फुल अपग्रेड कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ गाइस पूरा का पूरा फुल अपग्रेडेड है। इनसे सामान ले लेते हैं, ये क्या करेगा इतना सामान रखकर। और ये रहा हमारे दोस्त आ चुका है, कैप्टन YT30। तो या यही मजदूर है, और ये इसकी स्किन बार बार ग्लिच कर जाती है, मैं मेरे को नहीं पता क्यों करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट हो चुकी है, जैसे लाइक मैं शॉप UI अब वर्क नहीं करता है गाइज, अब सिर्फ आपको शॉप लिखना पड़ता है, और कुछ भी सेल करना तो उसको ऐसे क्लिक करना और अपने आप ही ऑप्शन आता है तुम्हें बाय करना या सेल करना, ये चीज़ मेन है, तो यहाँ पर ध्यान दिया करो। एंड आपको खुद ही अमाउंट का कैलकुलेशन लगाना पड़ता है कि आप पे कितना अमाउंट है। सो या मेरे को अभी देखो, देख सकते यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, तो आपको खुद ही अमाउंट लगाना पड़ता है और खुद ही इस चीज़ को सेल करना पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें न्यू है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग अभी भी मतलब कॉस्मोक्राफ्ट बंद कर दिया था, जैसे कि मैंने बंद कर दिया था, तो अगर आप लोग हर बार वोट करोगे तो आप लोगों को 2 घंटे के लिए फ्लाई मिलता है, या 1 घंटे के लिए, आई डोंट नो, बट यार लिखा हुआ तो चैट में 2 घंटे के लिए आता है। सो या आप लोगों को 2 घंटे के लिए फ्लाई मिलता है जब भी आप वोट करते हो तो गाइज। तो या अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एंड ये जो ये बाकी है इनको मैं रख देता हूँ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैसे आज की वीडियो में क्या करने वाले हम, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे थोड़े ब्लॉक्स खाली, तो हमें ग्राइंड करना है थोड़े से और मिनियंस यहाँ पर पुट करना है। एंड यहाँ पर मैंने एक ये बाय कर लिया था, इसे कहते हैं एमरेड जनरेटर, मैं भूल गया था वैसे इस चीज़ को किसी क्या कहते हैं, अभी भूल गया था लिटरली। एंड हाउ आर यू रिकॉर्डिंग, या इसको बोल देते हैं, या इसको बोल देते भाई पूछ रहा, तो या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और हाँ यार, मेरे में पता नहीं ग्लिच है, मैं अब हब में नहीं जा सकता। और पता है यार, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से मनी मांग रहे थे, और मैं सोच रहा था भाई ये लोग मनी मांग क्यों रहे हैं मेरे से, मेरे को तो पता नहीं। बट यार बाद में मैं गलती से मतलब लीव हो गया था, और लीव करके मैंने ज्वाइन किया, मैं किसी का नाम चेक कर रखा था कि टॉप मनी में कौन है, तो भाई मेरे को लगा हमारे डार्क लॉर्ड होंगे, उन्होंने बैंक में पैसा छुपा रखा है अपना, सच बात ये है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था भाई, मैंने देखा कि मैं टॉप मनी के अंदर हूँ लिटरली गाइज, जैसे आप लोग देख सकते हो 6 मिलियन, तो भाई मेरे थे 12 मिलियन कुछ, तो भाई लोग मेरे से पैसे मांग रहे, और मैं उनको क्या कह रहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बट मैंने खुद ही स्कोर बोर्ड में अपना नाम जाके देखा, तो मैं समझ गया कि भाई मेरे साथ स्कैम हुआ है। सो चलो यार, ये सब बात छोड़कर आप सीधा काम पर बात करते हैं, मेरे को चाहिए मिनियंस, क्योंकि हमें चाहिए मिनियन। एंड वेट, यहाँ पर मॉब स्पॉनर भी है, बट यार मेरे को मिनियन चाहिए, क्योंकि मिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर मैं कितने मिनियन खरीद सकता हूँ एमरेड के, वेट यहाँ पर अगर मैं 4 खरीद पाऊँगा क्या, बाय हो गया, ए बाय हो गया, मैं कम है, रुक जाओ, 1 एंड 2 एंड कैलकुलेशन हिसाब से सिर्फ 3 ही खरीद सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही खरीदते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत पैसा है, डार्क लॉर्ड ने हमें बहुत पैसा दिया है, तो यार मैं खुश हो चुका हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ा। एंड यहाँ पर बाय करते हैं जस्ट सिंपल, एंड यहाँ पर 3, बूम गाइस, यहाँ पर मेरे पे बहुत कम पैसा बचा हुआ है, 80 लाख रुपए बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप लगा देते हैं अपना एम्ब्रेड मिनियन, एंड यहाँ पर पुट नहीं हुआ भाई, ओके पुट हो चुका है, और बस 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 बस, एंड यहाँ पर मेरे को जाना है। एंड एक चीज़ और है भाई, वो न्यू तैयारी करनी है, रुको, मेरे तो स्मूथ मैंने यही कहीं रखे होंगे। सो वेट गाइस, अगर तक आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। एंड यहाँ पर वेयर कहाँ गया मेरा स्टोन, ये वाइट वुल है, वुल नहीं चाहिए मुझे, चाहिए कॉर्ड्स, एंड यहाँ पर कॉर्ड्स ले लिया मैंने, थोड़े से और ले लेते हैं, सिंपल इजी पीजी, ओके। तो यहाँ पर अब चलते हैं हम, एंड यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, एंड ओश, अबे भाई मैं फ्लाई नहीं कर पा रहा, ये क्या हो गया, मजाक हो गया, ये गलत सीन है भाई, मैं फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहा, वेट यहाँ पर स्लैश फ्लाई, ओके फ्लाई मैं कर पा रहा हूँ अब, पता नहीं क्या हो गया था अभी अचानक से। एंड यहाँ पर पुट, एंड यहाँ पर अभी पुट, ओके तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। और मेन चीज़ और रह गई है, यहाँ पर रुको, मेरे को अपनी पिकैक्स चाहिए थी, जो कि सिल्टच लगा रखा था मैंने, वेयर इज़ माई पिकैक्स, ये सी मेरी सिल्टच वाली पिकैक्स, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें से ये निकालने वाला हूँ,
बस थोड़ा सा और जल्दी से जल्दी मेरे को ये ग्राइंड करना है, तो ये वाला सीन थोड़ा कट करता हूँ मैं। ओके गाइज, यहाँ पर मैंने 11 और तो ले ही लिए हैं, तो आप लोग सोच रहे हो मैं और का क्या कर रहा था। तो देखो ये जो एमरेंड मिनियन है थोड़े ना धब्बे हैं, ये थोड़ा लेट लेट काम करता है, क्योंकि अगर इन पे ओर्स पहले से हों तो ये जल्दी जल्दी काम करता है, ये मेरा मानना है। तो या आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि ये, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत देर तक अपने इस वाले मिनियन को लगा के रखा हुआ था, तो ये बहुत देर बाद मेरे को एमरेट जनरेट करके देने लगा है। अब जैसे लाइक इसको देख लो, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बिल्कुल भी एमरेट मेरे को नील दे रहा है, जब तक ये अपना फुल नहीं करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, माइन करके फिर उसको और में जनरेट कर देता है, और इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही इनको प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर देखना, ओए ये भी नहीं दे रहा भाई, तू तो दे रहा होगा। ओह इनमें थोड़ा ग्लिच है, ग्लिच माल पानी है लगाइए अभी थोड़ा। और हाँ, मेन चीज़ यहाँ पर और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था, मेरे को इस भाई ने बताया, कैप्टन यो भाई ने, कि अगर आप लोग, जैसे ये मेरा मैक्स मिनियन हो चुका है और गलती से आप इसको मतलब हटा रहे हो, रिमूव करके अगर आपने कहीं और लगाने की सोची, जैसे कि मैं यहीं पर सोच रहा था इसको हटाना, बट क्या होता है इसमें ग्लिच हो जाता है और भाई आपका जो मैक्स लेवल हो पूरा का पूरा रीसेट हो जाता है। तो बिल्कुल ये वाली गलती मत करना, जिससे आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है, ठीक है। सो या एंड यहाँ पर हट गए हम। हाँ तो अब मेरे को यहाँ पर ग्राइंड करना है, अपना एक पाथवे बनाना है अपने मिनियंस के लिए। तो यहाँ पर जो है हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसकी मैं वीडियो क्या दिखाऊंगा, इस देखो सिंपल ही है। आप लोग यहाँ पर अपना स्टेयर्स लगा सकते हो कॉर्ड्स के, और नीचे अपना स्मूथ कॉर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब कॉर्ड्स ब्लॉक ही है, और यहाँ पर अपना मिड में यहाँ पर लगाओगे और ये अपने आप काम करना लग जाएगा। 2x2 का हाइट रखना है आपको हर जगह से, देख सकते हो, तो सिंपल। सो या अब मेरे को जो काम करना है वो अपना पाथवे पे करना है, तो मैं वो कॉर्ड से ही बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना सारा ओर्स नहीं है, मैं वरना ओर से ही बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने सेकंड सीज़न में करा था, पूरा का पूरा ओर से बनाया था, वैसे सेकंड या फर्स्ट सीज़न में मुझे याद नहीं है, छोड़ो यार। तो या एंड आई थिंक ये कॉस्मोक्राफ्ट सीज़न ब्लॉक 3 है, हाँ CC3 है, ठीक है। तो या सेकंड सीज़न में ही बनाया था मैंने, तो यहाँ पर मेरे को अब एक पाथवे बनाना है, जो कि थोड़ा सा नीचे से बनाऊंगा, मैं देख रहा हूं मैं कि कहां से बनाऊं। वेट, लाइक अगर मैं स्टेयर्स लगा दूं, यहां पर मेरे को थोड़ा सा डर्ट चाहिए, ये डर्ट 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 आई थिंक मेरे चेस्ट में ही रखा हुआ था डर्ट, यहां पर हम थोड़ा सा डर्ट लेंगे। ओ भाई खुल जा, हद है यार भाई, मतलब वीडियो रिकॉर्ड तो करने देना ही नहीं है, खुल ही नहीं रहा। ओके फाइनली खुला, मुझे तो लगा था खुलेगा ही नहीं। एंड स्टेयर्स भी यहीं पर है, स्टेयर्स भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर स्टेयर्स ले लेते हैं, सिंपल इजी पीजी। एंड यहाँ पर अब इसको बड़ा करते हैं, एंड डुश डुश डुश, एंड इसको इधर से आराम से बड़ा हो जाएगा ये, बस इसको डिज़ाइन में ही बड़ा करना है, वरना गलत हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, ओके फाइनली इजी पीजी हो गया गाइस, ये बड़ा तो हो ही गया इस साइड से। अब मेरे को यहाँ पर रखना है, वेट अगर मैं इसको पूरा का पूरा सीधे ले जाऊं तो देखने दो, हाँ या ये ऐसा ठीक रहेगा। एंड यहाँ पर ये टॉर्च हटो, या ये टॉर्च हट गया तो सिंपल इजी रहेगा, इस टॉर्च को वापस लगा देता हूँ मैं। एंड एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि ये डिज़ाइन सही भी रहेगा या नहीं, वैसे चढ़ तो जाएंगे, इतना भी बुरा नहीं। जैसे लाइक अब मेरे को सामान लेना है, मैं वापस, हाँ सो या चढ़ जाएंगे, इसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टेयर्स लगाएंगे, एंड यहाँ पर एक वैसे कर देते, खुल जा सिम इन्वेंट्री, और यहाँ पर जस्ट ऐसे, ओके इजी इजी गाइस, बिल्कुल इजी, एकदम मस्त। हाँ और गाइस एक और चीज़ बोलने वाला था गाइस, कि मैंने ना पोजैप लॉन्चर डाउनलोड कर लिया है, जो कि वर्क तो कर रहा है और हाई पिक्सल भी खेल पा रहा हूँ मैं, बट यार लैग कर रहा है। तो यार आप लोग बताना कि अगर आप लोगों को हाई पिक्सल्स की वीडियोस चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हाई पिक्सल की वीडियोस भी ला सकता हूँ। अब पहले नहीं ला पाता था क्योंकि ये मेरे पास पीसी नहीं था, और बहुत सारे लोग बोलते कि भाई तुम्हारे पास पीसी है तो खेलते क्यों नहीं। सो गाइस देखो पीसी जो है वो मेरे पास नहीं है, वो शॉप पे रहता है और मेरे पापा यूज़ करते हैं, तो या हमें कोई वो नहीं है कि मैं पीसी में गेम खेलूँ। पहले खेल पाता था क्योंकि पीसी में जब मैं ही बैठता था, बट अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं खेल पाते। सो या एंड यहाँ पर इसको पुट इजी, यहाँ पर ये इजी हो चुका है, और ये डिज़ाइन है कुछ ऐसा है जैसे लाइक यहाँ पर हम चढ़ के वापस से वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भाई हट जाओ यार, भाई वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे 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 नहीं करते। एंड यहाँ पर जस्ट ऐसे, ओके सो या ये थोड़ा मस्त लग रहा है, और भाई गिर गया
लोल कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर मैं इसको जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर हमने पाथवे कंप्लीट कर लिया, बस यहाँ पर स्टेट लगाना रह गए। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता था कि गाइज, अगर आप लोग भी मेरी मेंबरशिप बाय कर रखे हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मेरी मेंबरशिप बाय कर रखी है, सो या अगर आप लोगों को भी ये कॉस्मोक्राफ्ट ज्वाइन करना हो और मेंबर बनना हो, तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना डिस्कॉर्ड में। और जो लोग यार मेंबरशिप बाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैंने ये सोचा है कि यार देखो, उनको भी मेरे साथ खेलने का मन करता है या फिर मेरे आइलैंड में रहने का मन करता है। सो आप लोगों के लिए एक मैं मस्त चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, सिंपल है, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में आप लोगों को लेवल अप करना पड़ता है। वहाँ पर लेवल अप का ऐसा सीन होता है कि जिसके ज़्यादा लेवल होते हैं, तो अपने आप वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है उसके प्रोफाइल में। तो आप लोगों को सिंपल क्या करना है, डिस्कॉर्ड में यार लोगों से बातें करनी है, चैट करना है, एंड वहाँ पर आइडल माइनर है, आप लोग वो खेल सकते हो या फिर सॉन्ग सुन सकते हो। तो जिसका लेवल 20 होगा, तो मैं सिर्फ उसी को अपने आइलैंड में रखूँगा या फिर उसको मेंबर इन्वाइट कर दूंगा, जिससे वो फ्री में हमारे आइलैंड में खेल सकता है और हमारा मेंबर बन सकता है सिर्फ डिस्कॉर्ड की मदद से। सो अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा, तो जाओ अभी की अभी ज्वाइन करो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को थोड़े सा और कॉर्ड्स चाहिए। यार ये चेस्ट का ग्लिच क्या है यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। अभी 77 बंदे खेल रहे हैं सिर्फ, 77, बट अभी भी इतना ग्लिच हो रहा है। वेट, यहाँ पर ग्लिच थोड़ा। Meanwhile, सो गाइज, फाइनली हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना मिनियन वैली। तो यार ये मैंने नाम अभी अभी जस्ट सोचा कि इसका क्या नाम रखे, तो यहाँ पर मिनियन वैली बनाने वाला हूँ। अभी जैसे कि यहाँ पर एक प्लेन पैथ बनाया, तो यहीं पर पूरा का पूरा एक इस साइड भी मैं वेव बनाने वाला हूँ 2x2 का, मतलब यहाँ पर भी एक और वेव आएगी मिनियंस की। बट यार ये थोड़ा ना अनकंफर्टेबल लग रहा, तो यहाँ पर मैं कुछ डिसाइड करने वाला हूँ इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए, मतलब क्रिएटिव फुल। तो यहाँ पर जस्ट मैं चेकआउट करना चाहता हूँ, क्या पिलर्स बनते हैं? नप, पिलर्स तो बनते नहीं है यार, अब थोड़ा सा और मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को थोड़े लाइक पिलर्स बनाने थे, एक बार ज़रा चेकआउट करते हैं कि ये कैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फेंसेज हैं वो सिर्फ ऑक के बनते हैं और किसी भी उसके नहीं बनते हैं। सो जस्ट वेट, एंड यहाँ पर जस्ट लाइक अगर ओके, ये पुट तो हो चुका है यहाँ पर, ये अगर अच्छा लगेगा तो यार ठीक भी है, बट यार ये डिज़ाइन जो है ना, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर एक वो कॉर्ड कौन सा वो था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी ना किसी चीज़ के तो लगते थे, बट यहाँ पर बहुत सारे मोडिज हटा रखे हैं जिससे यार वो लैग ना करें एंटिटीज़ की वजह से। तो ये आइडिया मेरे को लग रहा ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक छत टाइप बनाना चाहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हमारे मिनियंस के ऊपर, एंड बिल्कुल ही हवेली टाइप लग जाए। वैसे ट्राई करके देख लेते हैं, अगर एक मिनियन पे हमें वो अच्छा लगेगा सो सब पे ट्राई करके देखेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ पर इसको 3x3 का बनाना है। अरे शूट्स, यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर। एंड ओके गाइज, फाइनली यहाँ पर मैंने ये कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि ये जो है ये मेरे को बेकार सा लग रहा था। लाइक मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट लाइक इसको पुट करके एंड यहाँ पर एंड दिस। ये अबे ये भी वैसे सही लग रहा है, बस ये थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा टेढ़े में आ रहा है। सो या ये जो डिज़ाइन है ये वाला, इसका मेरे को पता नहीं कुछ, बट यार ये देखो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर स्लैब्स लगाया है जिससे थोड़ा अच्छा लगे। सो यहाँ पर 2 स्लैब मैंने पुट करे थे जस्ट, एंड यहाँ पर जस्ट ओके। तो यहाँ पर स्लैब मैंने कुछ ऐसा पुट किया है। तो गाइस प्लीज़ मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो डिज़ाइन है छत का, ये अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर अगर आप लोगों पे कुछ और भी डिज़ाइन हो कुछ कॉस्मोक्राफ्ट में, भाई कोई भी अपने उसमें मत दिखाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ चलते नहीं। और वेट, यहाँ पर मेरा FOB शायद से कम हो रखा है, सो मेरे को अभी लगा हाँ, तो या मेरा FOB कम हो रखा है, तो यहाँ पर FOB बढ़ाते हैं यहाँ पर 70। यस हाँ, तो मेरे को यार ज़रूर बताना कि अगर आप लोगों में कोई डिज़ाइन है या आप लोग भी कॉस्मोक्राफ्ट खेलते हो, तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं उसको शाउट आउट दूंगा यार। और अगर हो सके तो यार मैं अपने एमरेट्स भी दे दूंगा थोड़े बहुत, जो कि ये अभी ग्राइंड करके देंगे ही। सो या एंड यार देखो, मेरे को आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि यार मैं हार्डकोर की वीडियो बना रहा था। तो या तो चलो यार इसी के साथ आउटरो कर लेते हैं। कुछ भी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर हमारी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि यार मैंने ऑफलाइन ही कुछ ज़्यादा ही ग्राइंड कर लिया था, इस वजह से वीडियो में और कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। बाकी या मेरे को यार सबसे बड़ा थैंक्स यार डार्क लॉर्ड को अगेन। एंड अगर आप लोग भी मजदूर बनना चाहते हो हमारे इस कॉस्मोक्राफ्ट के, तो अभी के अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, 20 लेवल गेन करो और हमारा साथ, मतलब हमारे साथ मजदूर बनने की बन जाओ। और साथ साथ अगर आप लोगों को सिंपल ट्रिक्स चाहिए, तो कोई सी भी हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हो आप, सबसे सस्ती वाली भी 29 रुपीज़ की है, और सिंपल हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना,
चैनल पर जो जो न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।